गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 12 चैप्टर नंबर 4 मैट्रिसेस का रिवीजन चल रहा आपका। एक्सरसाइज 4E क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6, x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 2, 2x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 1। तो वहां आपको क्वेश्चन में लिखा होगा कि सोल्व द इक्वेशन बाई मैट्रिक्स मेथड। तो जब मैट्रिक्स मेथड लिखा होगा तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, राइट द गिवन इक्वेशन इन मैट्रिक्स फॉर्म। जो हमारी इक्वेशन है तो मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे, तो एक्स के कोफिशिएंट 1, 1, 2 ये लिखे यहाँ पे, वाई के कोफिशिएंट 1, -1, 1, जेड के कोफिशिएंट 1, 1, -1, एक्स वाई जेड यहाँ लिखेंगे, 6, 2, 1 इधर लिखेंगे कॉन्स्टेंट क्रम। तो ए एक्स इज इक्वल टू बी टाइप की हमारी इक्वेशन बन गई, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, वेयर ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू दिस ये वाली, और एक्स मैट्रिक्स एक्स वाई जेड, और बी मैट्रिक्स 6, 2, 1 वाली हुई। अब हमने ए का डिटरमिनेंट्स लिखा और उस डिटरमिनेंट्स का एक्सपेंशन करा, एक्सपेंशन करके विद रेस्पेक्ट टू आर वन इसकी वैल्यू 6 आ गई, डज नॉट इक्वल टू 0 आ गया। जब डिटरमिनेंट्स की वैल्यू डज नॉट इक्वल टू 0 होती है तो इट इज इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, यानी कि इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, हम इसका इनवर्स निकाल सकते हैं। तो इसलिए दो फैक्टर्स निकाल लेंगे हम आगे, a11, a12, a13, a21, a22, a23, a31, a32, a33। अब ये बता दो मैंने, अगर ये दोनों नंबर को, दोनों सफिक्स को प्लस करते हैं 1+1, और ये प्लस करके आया इवन नंबर तो आएगा प्लस, और यदि इन दोनों को प्लस करके आया ओड नंबर तो बाहर आएगा माइनस। तो इस तरीके से हमने प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस ये लगा देंगे सामने। उसके बाद में अब हम a11 निकाल लेंगे को फैक्टर, कैसे निकाल लेंगे, a11 यहां से निकाल लेंगे, a11 ये है हमारा, इससे जाने वाला कॉलम कैंसिल हो गया, इससे जाने वाली रो कैंसिल होगी, ये बचेगा आपका डिटरमिनेंट्स, ये आ गया। ऐसे a12 निकाल लेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगी, ये कैंसिल हो जाएगी, 1, 2, 1 -1 बचेगा, वो लिख दिया हमने। फिर आया a13, तो ये कैंसिल पूरी, ये वाली लाइन कैंसिल, ये बचे गए हमारे 4, तो ये आ गया 1 -1, 2, 1। इस तरीके से सारे के सारे को फैक्टर निकाल लेंगे, उससे जाने वाली रो, उससे जाने वाला कॉलम कैंसिल हो जाएगा, और जो उनसे एलिमेंट बचेंगे उसका एक सब डिटरमिनेंट्स बनाएंगे, तो उनको सोल्व करेंगे, इन डिटरमिनेंट्स को सोल्व करेंगे, 1 -1 की -1 -1 ये आ गया 0। ऐसे ही बाहर माइनस है, माइनस इसकी वन की -1 में -1 आ गया, माइनस फॉर्मूले में है 2 × 2, ऐसे ही इधर से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ गया, फिर माइनस लगाएंगे और इधर की मल्टीप्लाई लिखेंगे वो -2 है, तो माइनस माइनस मिलकर प्लस हो गया, ये आ गई 3। ऐसे हमारा a21 निकाल लेंगे, a22, a23, ऐसे a31, a32, a33 निकाल लेंगे, और जब इसको सोल्व करेंगे तो को फैक्टर का जो हमारा मैट्रिक्स आएगा उसको लिखेंगे यहाँ से 0, 3, 3, यहाँ लिखेंगे 2 -3 +1, यहाँ लिखेंगे 2, 0, -2, ये आ गया। एडजॉइंट ए निकालने के लिए इसका ट्रांसपोज करेंगे, जो इसमें रो है उसका कॉलम बन जाएगा, सेकंड रो का सेकंड कॉलम, थर्ड रो का थर्ड कॉलम, ये आ गया एडजॉइंट ए। अब ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ए, डिटरमिनेंट ए की वैल्यू अभी निकाल के आता है 6 आई है हमारी, तो हमने डिटरमिनेंट ए की वैल्यू 1/6 लिख दी, और ये जो हमारा एडजॉइंट है ये मैट्रिक्स जो का तू यहां पे लिखा है। अब इसके बाद में हम फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट ले लें, ax इक्वल टू बी, ये लिया हमारी ax इक्वल टू बी, मल्टीप्लाई बाई ए इनवर्स इन बोथ साइड, ए इनवर्स की दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, ए इनवर्स की मल्टीप्लाई करी, ए इनवर्स ए एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी, ऐसे ही ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा, एक्स मैट्रिक्स एज इट इज ए इनवर्स बी, तो एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी आ गया, एक्स मैट्रिक्स है हमारा एक्स वाई जेड, ए इनवर्स अभी निकालना आपने यहाँ से हमने लिख लिया, और बी हमारा 6, 2, 1 है, ये हमारे क्वेश्चन में गिवन है बी मैट्रिक्स। फिर हमने क्या करा, 1/6 बाहर एज इट इज इन दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कर दी, मल्टीप्लाई ऐसे होगी इस रो की इस कॉलम में होगी, 6 0 या 0, 2 2 या 4, 2 1 या 2, 3 6 या 18, -3 2 या -6 आ जाएगा, 0 1 या 0, 3 6 या 18, 1 2 या 2,
माइनस टू बन जा माइनस टू, तो ये सोल्व करके अंदर आ जाएगा सिक्स स्क्वायर एटीन, सिक्स से इसको डिवाइड कर देंगे वन टू थ्री आ जाएगा, एक्स इजिकल टू वन, वाई इजिकल टू टू, जेड इजिकल टू थ्री, हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में कितनी बार आया हुआ है, इक्वेशन जो हमें गिवन इक्वेशन है उनको मैट्रिक्स मेथड से सोल्व करने का ये क्वेश्चन है। इसके ऊपर एक क्वेश्चन आप खुद करके देखिए ताकि आपको सारे स्टैटिस्टिक्स के क्लियर हो जाए, और इससे आगे के क्वेश्चन हम आपके साथ में कल को रिवीजन करेंगे। आपके एग्जाम 20 जुलाई से हैं, 15, 16, 17 में आप यहाँ से कॉपी ले जा सकते हैं। जब कॉपी आप लेके जाएंगे उस कॉपी पे अपना नाम, पिता का नाम, क्लास का, क्लास सेक्शन, और उस पर लिखेंगे आप अपना नाम, पिता का नाम, क्लास सेक्शन और विषय जिसका आपका पेपर है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट और आपका नेम, फादर्स नेम और क्लास सेक्शन, ये उसके ऊपर नोट होना चाहिए कॉपी के, ताकि ये पता लग सके पर्टिकुलर आपकी कॉपी है। ठीक है, इससे आगे की जो भी हमारी प्रॉब्लम है वो हम कल डिस्कस करेंगे। आपके कोई भी प्रॉब्लम है मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।